मंदिर वगैरह बना रखा था मैंने छोटा सा मेरा, तो उसने मेरा मंदिर भी तोड़ दिया था, तोड़ दिया और मेरे को जोत से यहाँ पे जलाया जाता था। ये रहे निशान, काफ़ी निशान। दो तीन दिन के बाद मैं इसको दूसरी लेडीज के पास देखती हूँ। ये मेरे आज से 14 साल पहले की बातें हैं, 14 साल पहले की, क्योंकि मैं वहाँ ऐसे फंस चुकी थी। एक जेल भी अच्छी होती है वहाँ से, तो क्यों रहती रही, आगे पीछे दोनों तरफ गेट हैं, गेटों पे ताले लगे रहते थे, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था वहाँ पे। राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। अभी फिलहाल बैठे हैं, लोकेशन बता दूं आपने, तो शाम के अंदर बैठे हैं, तो शाम का बिल्कुल बस स्टैंड के सामने। और एक मुद्दा जो है भाई, कई आप दर्शकों ने देखा होगा, कई चैनल पे चलन लग रहा है फिलहाल, हमारे दर्शकों और हमारे लिए मुद्दा नया है। वो पूरा मुद्दा जो है जानकारी उसकी लेवांगी, वो जो महिला है नीलम जिनका नाम है, वो हमारे साथ बैठी है। राम राम नीलम जी। राम राम मैम। नीलम जी, पहले तो मैं आपका परिचय पूरा जानना चाहूँगी। नाम तो सबने पता है दर्शकों ने, हमारे दर्शकों ने नहीं पता, कहाँ से हो और के जो है आपके साथ समस्या हुई है। बहन जी, मैं भिवाणी से हूँ और मेरे साथ लव जियाद वाला मामला हो चुका है। लव जियाद वाला मामला हो, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, के उनका नाम था और किस तरह से शुरुआत हुई, वो सारा। शुरुआत ऐसे हुई थी, जैसे कि मैं पहले मेरे माँ बाप के घर रहती थी सोनीपत में, वहाँ पे एक लड़का आता जाता था, उससे बातचीत हुई मेरी। बातचीत हुई तो मैंने पूछा भी तू तेरा नाम क्या है, उसने अपना नाम विजय बताया। विजय नाम बताने के बाद फिर वो मैं बोला तू किसके माँ, मैं जाटों के हूँ, हिंदू में हूँ। तो बोला मैं भी जाटों में हिंदू में हूँ, मेरे बाप का नाम जगदीश है, ठीक है। तो बस ऐसे ही करते करते 10-15 दिन के बाद ही जैसे मिलते मिलते वो बोला मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। अनमैरिड थे? नहीं, मेरी पहले शादी हो चुकी थी। पहले शादी हो चुकी? हाँ, 16 साल की उम्र में मेरे चाचा ने मेरी शादी करवा दी थी। तो वो मतलब वो घर बार आपने छोड़ दिया था? हाँ, तलाक हो गया था या उनकी डेथ हो गई थी, क्या हुआ था? नहीं, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया था। उन्होंने छोड़ दिया था? हाँ, और छोटा भी क्यों था, क्योंकि वो दूसरी लेडीज के साथ थे। मेरे दो बच्चे हुए थे, उन्होंने बच्चे अपने एक तो भाभी के पास भेज दिया था, एक भेज दिया था अपनी बहन के पास। मतलब बच्चे आपके पास नहीं थे, आप अकेले दोबारा से मतलब अपने माँ बाप के घर आ चुके? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद जो है विजय जो था ये आया, के साथ आपकी बातचीत बढ़ी? हाँ जी। तब मैंने इससे फिर बात करना शुरू किया, इसने मेरे से बात की, तो हमारे ऐसे मिलते मिलते 15-16-20 दिन हो गए लगभग। तो ये बोला कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। 15-20 दिन के अंदर ही? हाँ। तो मैंने कहा भी इतनी जल्दी क्या है, मैं तो आपको जानती नहीं पहचानती नहीं, आप कहाँ से हो? बोला मैं भिवाणी से हूँ और भी कोई वो नहीं है, हमारा अच्छा काम है, ये है। मगर ठीक है, तो मैं बोली मम्मी पापा को बता देते हैं भाई ऐसे शादी करनी है, क्योंकि मैं पहले धोखा खा चुकी हूँ, माँ बाप ने की थी खुद, फिर भी मेरे साथ धोखा हुआ। तो उन्होंने बोले कि ना ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, बोले तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे माँ बाप नहीं मानेंगे इस शादी को, तो मैं कागज़ तैयार करवा लेता हूँ, ये है वो है। मैं चलो भी ठीक है, शादी तो करनी है, अब मेरे को पता था भी मम्मी पापा नहीं मानेंगे। मैंने कह दिया चलो ठीक है, कर लेते हैं शादी। इन्होंने अपने कागज़ वगैरह तैयार करवा लिए जल्दी सी, दिल्ली लाल कुआ है ना, दोड़ा कुआ वहाँ पे। तो वहाँ करवाने के बाद ये मेरे को अपने ग्रेटर नोएडा में दोस्त के मकान पे लेके गए। तो आपने मैरिज कोर्ट मैरिज करवाई थी? मैरिज हिंदू जो हमारे रीति रिवाज, कोर्ट मैरिज करवाई। कितने दिन के अंदर हो चुका था ये सब कुछ? सारा कुछ 15-20 दिन के अंदर शादी भी हो ली, सब कुछ हो गया। आप उनको जानने भी लग गए, आपने शादी भी कर ली और आप उनके दोस्त के घर भी पहुंच गए। हाँ जी, ठीक है। तो फिर इसमें विजय नाम था उनका, हिंदू थे वो, भिवाणी थे, उनका अच्छा काम था। तो इसमें लव जियाद का कैसे पता चला आपको और ये कैसे पता चला कि वो मतलब अलग उससे हैं? लव जियाद का मेरे को पता चला, मैं उसके दोस्त के घर गई वहाँ पे, वहाँ भी मेरे को नहीं पता चला। तब मैं वहाँ रही 2-2.5 महीने रही हूँ लगभग, उसी के दोस्त के घर ही रही। हाँ जी, उसकी पूरी फैमिली थी, उसके दोस्त की फैमिली थी पूरी, मेरे को कुछ नहीं पता चलने दिया इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे नाम ही इसने यही बता रखा था। मतलब आपको क्या लगता है नीलम जी, एक ऐसा परिवार जो मतलब और समुदाय से है, और धर्म से है, मुसलमान है, मुस्लिम है, तो क्या आपने न्यू नहीं लगा अभी मतलब उनका कुछ अलग है धर्म? क्योंकि सुबह देखो घर के अंदर हर चीज़ हुआ है, आपने पता है, और हमारे जो हैं कुछ हमारे रूल अलग है, हमारे नियम अलग हैं, और उनके जो हैं उनके नियम अलग हैं, तो कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट नहीं होया आपने? नहीं, इसने बिल्कुल भी डाउट नहीं होने दिया, क्योंकि जहाँ मैं गई थी ना वो गुज्जर थे,
जिस घर में आपकी रखा गया था वो गुजर था। हाँ, ये सिर्फ अकेला ऐसा बंदा था, सुबह उठना अपना नहा धो के बाहर निकल जाना, शाम को वापिस आना, खाना वगैरह खाना, अपना सो जाना, बातें उनसे साथ बातें करनी ज़्यादा हमारी, मतलब कि वहाँ पे मैंने कुछ नहीं पूछा इनसे, क्योंकि ना मेरे को कुछ फील होने दिया इसने। फिर मेरे को पता चला मेरी गुड़िया होगी पेट में तीसरे, तो उस तब ये मैं बोली भाई यहाँ दूसरे के मकान पे, यहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगता, आप अपना आप भिवानी मकान बता रहे हो तो वहाँ चलते हैं। तो ये बंदा बोला कि नहीं अभी नहीं जाना, थोड़े दिन बाद चलते हैं ये, लेकिन नहीं, मैंने फिर इनको बोलना कई बार स्टार्ट कर दिया, अभी चलना है तो चलना है, मैं यहाँ नहीं एडजस्ट कर सकती। तो मेरे को अपने लेके आए भिवानी, भिवानी जाते हुए मेरे को लेके गए पहले अपनी बहन के घर, गुड्डी है इसकी बहन का नाम, नाथवास रहती है। तो वहाँ गए हम, वहाँ जाने के बाद इसने अपनी बहन को बताया भी मैं ऐसे ऐसे इसको लेके आया हूँ, लेकिन इसने है ना बहन ने रखने से मना कर दिया, बोली भाई मैं नहीं रखूँगी तुझे। तो ये फिर मेरे को सीधा अपने घर पे लेके गए, वहाँ घर पे जाने के बाद मेरे को पता चल भी तब भी नहीं पता चलता, तो दो तीन दिन के बाद मैं इसको दूसरी लेडीज के पास देखती हूँ उसी घर में दो। तो मैं बोली कि ये कौन है जिसे आप ऐसे बातें करते रहते हो, ऐसे तो बस हस्बैंड वाइफ ही बात कर सकता है जैसे आप इससे बात। बोला नहीं नहीं ये मेरी भाभी है, मखान नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने फिर भी एक दो बात करके मैंने बात मैटर वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो फिर मैंने एक दिन रात को इनको देखा साथ में, रात में देखने के बाद मैंने फिर उस दिन कर दी लड़ाई, अभी तू मेरे से झूठ मत बोल, तेरी भाभी है या कुछ भी है तो मेरे को सच्चाई बता दे मेरे साथ दो। तो उन्होंने बोला कि ये मेरी पत्नी है। मैं तेरी पत्नी है, तूने मेरे को ये तो नहीं बताया तेरी पत्नी भी है पहले। तो उन्होंने बोला नहीं ये मेरी पत्नी है। तो मैं बोली कि आपके जब पत्नी थी तो आपने मेरे से शादी क्यों की। उन्होंने बोला हमारे यहाँ चलता है, मां तुम्हारे यहाँ कैसे चलता, हम तो हिंदू हैं, हिंदुओं में तो एक ही शादी अलाउड होती है। उन्होंने बोला नहीं मैं तो मुसलमान हूँ। मतलब उस रात आपको पता चला कि आपके जो पति हैं वो मुसलमान है। हाँ। और उनकी पहले भी एक पत्नी है, पहले बच्चे पत्नी भी है उनके। नहीं उनका कोई बच्चा नहीं है। तो इस दौरान मतलब पीछे आपने दोबारा जब ये सब कुछ पता चला आपने अपना परिवार जो था पीछे, तब आप मतलब परिवार की रजामंदी तो शादी करके गए थे या परिवार तो ऊपर होके शादी, परिवार से ऊपर होके शादी की थी मैंने, ये परिवार से ऊपर होके। हाँ जी ठीक है। तो लगभग ढाई तीन महीने बाद आप बताओ कि आपकी पता चले आए हो सब, उसके बाद आपका स्टेप क्या रहा कि मतलब पहला मन में क्या आया? पहला तो मन में यही आया कि मैं मेरे मम्मी पापा को करूं बात क्या कुछ होता है, लेकिन फिर मैंने फ़ोन नहीं किया उनके पास ना बात करी, किस मुँह से बात करती मैं उनसे, कुछ कहने लायक तो थी नहीं, गलती मेरी थी। उनका असली नाम क्या था विजय का? विजय का असली नाम अकबर। अकबर। तो इस मतलब पूरे ये जो आपने बताया इस पूरे प्रकरण के दौरान क्या आपने मतलब पुलिस की सहायता लेने की सोची? आप गए पुलिस में गए थाना में या फिर कोई और कोई आप कोई ऐसा बंदा जिसने आपकी सहायता करी? नहीं, इस बीच मैं किसी के पास नहीं गई क्योंकि गुड़िया मेरे पेट में थी और मैं बिल्कुल ही अकेली हो चुकी थी, मेरा दिमाग में कुछ भी काम नहीं कर रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये कितने टाइम पहले की बातें हैं जो आप बताने लग रहे हो? ये मेरे आज से 14 साल पहले की बातें हैं। 14 साल पहले की बातें हैं जी। और आप मीडिया में आज बताने लग रहे हो? आज भी मैं मजबूरी में आ रही हूँ, आज नहीं आई हूँ मैं पहली बार, आज से पहले भी मैं मीडिया में आ चुकी हूँ मतलब क्योंकि मैं वहाँ ऐसे फंस चुकी थी। एक जेल भी अच्छी होती है वहाँ से, तो जेल में अभी आपकी बेटी जो है कितने साल की है? मेरी बेटी 12 साल की है। 12 साल की। तो उसके बाद जैसे आपने बताया भी ढाई तीन महीने के अंदर अंदर आपकी पता चल गया था, 4 महीने के अंदर, फिर उसके बाद आप वहीं कंटिन्यू रहते रहे? कंटिन्यू रहती रही, आगे पीछे दोनों तरफ गेट हैं, गेटों पे ताले लगे रहते थे, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था वहाँ पे, सिर्फ अंदर ही अंदर रहना, अंदर ही अंदर खाना पीना जो कुछ था, बाहर कोई मतलब नहीं, किसी से बात करने का किसी से देखने का कोई वो नहीं था। तो ये जब ये सब कुछ होया, आज 12 साल की आपने अपनी बेटी बताई है, इन 12 साल के दौरान कभी आपने ये सोचा हो कि मैं हो जाए है एक ही परिवार में एक घर में एक ऐसे समुदाय में रहने लग रहे हो, तो ये सोचा हो कि मतलब नहीं ठीक है जो कुछ हो गया अब आप भी मतलब आपने वो धर्म अपना लिया हो या कुछ ऐसा, या फिर उनका आपके प्रति कुछ आपके धर्म के प्रति कुछ लगाव होया हो, कुछ दोनों में बदलाव होया? नहीं, मैंने मेरे धर्म में कोई बदलाव नहीं होने दिया, उन्होंने काफ़ी कोशिश की मेरे साथ बदलाव करने की लेकिन मैंने बदलाव नहीं होने दिया। कोशिश में कैसे की कोशिश? कोशिश मतलब जैसे मैं पूजा पाठ करती थी, मंदिर वगैरह बना रखा था मैंने छोटा सा मेरा, तो उसने मेरा मंदिर भी तोड़ दिया था।
आपने उनके घर में मंदिर बनाया था। हाँ जी। तो मंदिर में कौन सी मूर्तियाँ थी? मंदिर में मेरी एक गणेश जी की मूर्ति थी और एक मैं शनि महाराज के व्रत रखती थी, क्यों बाहर तो जाने देती नहीं थी मेरे को, मैं अपना वहीं पर रख के कर लेती थी उसका। एक शिव जी की मूर्ति थी मेरी। तो व्रत वगैरह मतलब आप वहाँ पे उस घर में रहने के बाद भी व्रत करते रहे? करती रही मैं, कंटिन्यू करती थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई वो नहीं की, बल मंदिर भी तोड़ दिया और मेरे को जोत से यहाँ पे जलाया जाता था। ये रहे निशान, काफ़ी निशान है लंबे लंबे, एक तो ये रहा, ये रहे जलाने के। जोत से मतलब? जैसे कि वो जोत जलाती थी ना, उसको उठा के ऐसे रख देते थे लंबी। देखो ये कुछ निशान दिखाने लग रहे हैं नीलम जी, इनका कहना है भी ये मतलब जो जोत जलाया कर दे उसी जोत से देखो इंती जलाया कर दे। कितने साल चला ये सब? ये काफ़ी अब तक चल रहा था, मैंने इससे पहले भी एक बार आवाज़ उठाई थी, घर भी छोड़ दिया था मैंने, घर छोड़ मेरे बच्चे भी साथ में ले गई थी, लेकिन ये फिर भी मेरे को ढूंढ के अपने घर पे ले आए। अभी बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे पास तीन हैं। तीन बच्चे हैं? हाँ। तो मतलब सब कुछ आपने पता लगे बाद, जैसे आप आज निकले हो, आप बताओ अभी एक दो बार पहले भी आप मीडिया में आ लिए, तो सब कुछ पता लगे बाद उस टाइम नहीं आपने क्यों नहीं स्टेप उठाया ये कि? मैंने स्टेप उठाया था लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, मैंने एप्लीकेशन भी लगाई थी उसको भी इन्होंने दबवा दिया था। कितने टाइम पहले लगाई थी अपनी? मैंने एक तो लगाई थी 2011 में एप्लीकेशन लगाई थी, उस एप्लीकेशन का आज तक ये नहीं पता कर भाई मैं इन बंदों से परेशान हूँ, ये बंदा मेरे को रोज मारपीट करता है, रोज टॉर्चर करता है ये। उसमें आपने ये भी एप्लीकेशन दी थी कि आपका धर्म परिवर्तन करवाया जाने लग रहा है जबरदस्ती, या फिर आपने पता नहीं था आपकी अलग धर्म में शादी करवाई गई है आपकी? ये मैंने बोला था कि वे मेरा धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, मेरे साथ ऐसे टॉर्चर हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं किया पुलिस वालों ने। कौन से थाने में करवाया था? ये अनाज मंडी चौकी में करवाया था, 2011 की बात है। उसके बाद फिर इन्होंने आई गई कर दी बात, फिर इन्होंने मेरे को 2014 में इनके केस हो गया था अपहरण का, तो तभी भी मैंने इनकी काफ़ी वो टॉर्चर कराया था, इन्होंने किसी लड़की को लगाया था इनके ऊपर आरोप, तो मतलब दो पत्नियों के रहते हुए तीसरा भी अपहरण कर दिया था उन्होंने? बिल्कुल किया था। वो आपको पता था? हाँ मेरे को पता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी ना, मजबूर हूँ मैं। तो आपके बच्चा की परवरिश किस हिसाब में हुई है, कैसे? मुसलमानी तौर पे। मुसलमानी तौर पे। और आज बच्चे किस परवरिश में रहने लग रहे? मुसलमानी तौर पे। मुसलमानी तौर पे। तो आप जो है अभी वहाँ रहने लग रहे हो अपने पति के पास या फिर यहाँ मम्मी पापा के पास आ गए? ना तो मैं मम्मी पापा के पास हूँ ना इनके पास हूँ, मैं तो शाम हूँ इंदू टाइगर फोर्स के इस पे।